नमस्कार, डीएनएचएन लाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सिलवासा बाईसफ हलिया में मुस्लिम समाज द्वारा धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। दादरा नगर हवेली सिलवासा के बाईसफ हलिया विस्तार में स्थित गोविंदा कॉम्प्लेक्स के परिसर में आज सुबह 10:30 बजे मुस्लिम समाज द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हुए और ध्वजारोहण किया। इस कार्यक्रम के बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुस्लिम समाज द्वारा तिरंगा रैली भी निकाली गई। यह रैली बाईसा फरिया गोविंदा कॉम्प्लेक्स के पास से निकाली गई, जो किलोनी नाका कलेक्टर कार्यालय शहीद चौक सिलवासा पुलिस स्टेशन होते हुए झंडा चौक पर संपन्न किया गया। कार्यक्रम के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। उससे पहले, अगर अभी तक आपने डीएनएचएन लाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, ताकि दादरा नगर हवेली दमन दीव एवं आसपास के सभी खबरों से हमने आपको सबसे पहले रूबरू करवाता रहूं। धन्यवाद। स्वतंत्र दिवस हमारे आशी के कम्युनिटी की तरफ से, ये भारत देश स्वतंत्र हुआ उसके 75 साल पूर्ण हुए, अभी 76 साल चालू होगा। तो ये अभी रैली इधर से किलवनी नाका से कलेक्टर ऑफिस होके झंडा चौक जाके रैली को खत्म करेंगे। आज अपने भारत देश की 75वीं वर्षगांठ है, और जिसमें सबने देखा होगा हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। उस अभियान को हमारे 22 फरिया के मुसलमानों, पूरे सिलवास के मुसलमानों ने और हमारी ख्वाजा कमेटी ने पूरा एक ऐसा संकल्प लिया कि आज हम भी यहाँ 22 फरिया में भी झंडे का ध्वज का समारंभ करें, और आज बड़े तादाद में उत्साह के साथ में हमने किया। और अभी यहाँ से एक रैली निकाल के झंडा चौक की तरफ जाएगी, और मैं हमारे यहाँ पूरे 22 फरिया के पूरी मुसलमानों की कौम की तरफ से मैं पूरे हिंदुस्तान की वासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ देता हूँ। 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरे देश में एक अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी क्रम में दादरा नगर हवेली के तमाम मुसलमान एक मंच पर आकर आज उन्होंने भी 22 फरिया से इस ये जो हमारी संस्कार है, संस्कृति उजागर शुरू किया है, और हम आशा करते हैं कि ये हम हर साल इसी तरीके से करेंगे। आज की जो रैली है वो हम यहाँ से निकलकर किलोनी नाका से टोकरखाड़ा से फिर उसे झंडा चौक पर हम समापन करेंगे। हम कलेक्टर ऑफिस से के पास से रूट था, पर वो ऐसा है कि वहाँ से जा नहीं सकते, वहाँ पर थोड़ी बोर है, और दूसरी बात कि वहाँ पे भी कार्यक्रम है। तो इस प्रकार से ये निकलेगी और फिर झंडा चौक पर, क्योंकि वहाँ पे एक शहीद स्मारक है, वहाँ पे इसका समापन होगा।